इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, भारत ने रचा एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। ये बड़ी खबर है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1। 5 साल तक सूर्य करेगा अध्ययन, तो इसरो को बड़ी कामयाबी। जिस पल का इंतजार था सभी लोगों को, ये आपको बता रहे हैं। सूर्यांत से जुड़ी है ये तस्वीर है। 5 साल तक सूर्य का करेगा अध्ययन, इसी के सबकी नजरें गड़ी हुई थी। लंबे वक्त का आप देख रहे थे सफर तय करने के बाद। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। आदित्य L1 पांच साल तक सूर्य का अब अध्ययन करेगा। तो इसरो का मिशन सूर्य यान सफल हो गया है। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को आपको बता दें कि आदित्य L1 ने सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है इस चुनौती को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और वहां से रिपोर्ट भेजेगा सूर्य के बारे में। तो भारत के एक मिशन को सफलता, अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी उड़ान, हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है आदित्य L1। आदित्य L1 का सूर्य को नमस्कार। भारत ने रचा एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया आदित्य L1। ये एक मिशन था, बड़ा मिशन था, और ये सफलता इसरो को मिली है। अब तक आपने देखा होगा कि चंद्रयान में हमें सफलता मिली, चांद पर सफलता। भारत का लक्ष्य जो है वो है, भारत के जो वैज्ञानिकों का लक्ष्य है वो सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना, और उसी सूर्यान के लिए आदित्य L1 को भेजा गया था। और सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 सफलतापूर्व, आपको बता दें कि वो लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच चुका है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदित्य L1 सफल हो गया है। और आपको बता दें कि इस पर सफलता पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। तो बड़ी खबर, तो सूर्य का अध्ययन करेगा अंतरिक्ष में आदित्य L1, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये एक बड़ी सफलता इसरो को मिली है। करीब आपको बता दें 9.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके ये आदित्य L1 वहां पहुंचा है। और एक बड़ी सफलता है ये।